नीषा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम आई सेड अबाउट हंड्रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सी एस आई आर जे आर एफ बट जितना भी मुझे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मिला दैट वॉज वन वन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप पढ़ोगे तो आई कैन अश्योर यू कि फिर तो नहीं रुक सकता जे आर एफ राइट और ये कोई ऐसा नहीं है कि क्लिक बेट है बिल्कुल क्लिक बेट नहीं है मैंने खुद ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया लाइक like, मेरे को तीन घंटे या दो घंटे लगे हैं प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट में से क्या क्या क्रक्स निकाल दूँ राइट right? किस सब्जेक्ट की अगर स्पाइसिंग कर दी जाए तो कैसा एम आर ए हमारे पास बचेगा तो मैंने इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स रिमूव कर दिया यानी कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स की आपके लिए लिस्ट बनाई है कि अगर आप उनपे ध्यान देते हो उनको पढ़ते हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली नोबडी इज गोना स्टॉप यू ठीक है तो आपको पहली चीज़ तो आपको ये सारे टॉपिक्स पूरे सुनने हैं और उसके बाद अपने साथ बगल में आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप में पूरा सिलेबस खोल के रखिए और अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है तो प्रिंटेड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीके? आप हाईलाइट करना शुरू करना ओके अब मैं आपको ऐसे पर्टिकुलरली बताते रहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग से रिसर्च कैसे स्टार्ट किया इस पर ओके सो लेट स्टार्ट ये यहाँ पर पहला है ऑल द बेस्ट सेकेंड है वेरी इंपॉर्टेंट तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे टॉपिक्स को देखना है एक बार तो सबसे पहले मैंने देखा कि कितने पहले मैंने सिर्फ ये डाला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सी एस आई आर जे आर एफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू डाट टू एवरग्रीन टॉपिक्स एक्सेप्ट देन की एक दो चीज़ें जैसे आपका लॉर्ड स्कोर हो गया है ना लॉर्ड स्कोर अभी आना शुरू हुआ है म्यूटेशन वाले मतलब पूरी जेनेटिक्स में कुछ दो सेशन से आना शुरू कर रहा है तो उससे पहले नहीं आता था तो मैंने एवरग्रीन प्लस अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन दोनों टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें कि स्टैटिक पार्ट आपका ज़्यादा होता है तो इट्स नॉट लाइक इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस जे आर एफ सेन ओनली हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए ठीक है क्योंकि बायोलॉजी बेसिकली स्टैटिक ही होती है तो उसमें से मैंने पूरा ढूंढ दिया तो सबसे पहले आई आई चेकड की कितनी यूनिट सबको पता है मैंने देखा कि उसमें कितने सब टॉपिक्स हैं सिलेबस में अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट करना देर आर टोटल सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी टू सब टॉपिक्स तो मैंने हर एक यूनिट में हर एक टॉपिक को काउंट किया है कि किस यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आगे स्लाइड्स में दिखाया हुआ है वो भी मैंने लिखा है वो भी आप देखना ओके okay? तो टोटल कितने टॉपिक्स हैं सेवन फोर्टी टू यार तो सेवन फोर्टी टू सब टॉपिक्स में से टेकिंग आउट हंड्रेड टॉपिक्स वो तो गलत हो जाएगा ना कि हम अनफेयर कर रहे हैं हम बस ये हंड्रेड हंड्रेड वाला यू you नो know, स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ वीडियो बना के डाल देंगे पर वो हमारा एम नहीं हमारा एम है कि जो क्लियर कट चीज़ है विद फैक्ट्स विद रियलिटी जितना हो सकता है वो करेंगे तो मेरे जो नैरो डाउन करें उसके बाद वन वन फोर टॉपिक्स आ रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़े हाँ तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले मेरा क्या रिएक्शन था क्या दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट आई मीन मैंने बस बोल दिया कि यार हंड्रेड <laughs> मैंने बस पोस्ट डाल दिया ऐसे ही स्टोरी पे कि यू नो हंड्रेड टॉपिक्स वाला किया जाए क्या कंपाइलेशन आई थॉट कि एकदम नॉर्मली हो जाएगा ये लिखूंगी ये लिखूंगी ये लिखूंगी बट देन आई रियलाइज अगर करना है तो अच्छे से करते हैं राइट तो आई गॉट कन्फ्यूज कि भाई दिस इज तो सो डिफ़िकल्ट बट देन आई फाउंड समथिंग जो कि मैं हमेशा से अप्लाई करती हूँ दैट ट्वेंटी एटी एटी ट्वेंटी रूल जिसको भी पता होगा बहुत अच्छी बात है ये एक रूल है जो कि बिजनेस रूल है दैट आपके जो एट्टी परसेंट चीज़ें होती हैं वो हमेशा ट्वेंटी परसेंट चीज़ों से ही आती हैं राइट दिस इज़ एट्टी रेशियो ट्वेंटी रूल एट्टी परसेंट परसेंट ऑफ़ द क्वेश्चन कम फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द सिलेबस एट्टी परसेंट ऑफ़ वर्ल्ड वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड इन देंड्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट पीपल आप इस रूल को कहीं भी पढ़ के देखना है ट्वेंटी रूल इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल ओके तो मैंनेडल के लॉज जैसा है ये हो गया हमारा एट्टी ट्वेंटी रूल अब मेरे को ढूंढना था वो ट्वेंटी परसेंट सिलेबस जिसमें से एट्टी परसेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आगे देखते हैं कैसे शुरू किया है तो हर एक यूनिट को यूनिट वन टू तो यूनिट थर्टीन पहले सब टॉपिक्स देखे कि उसमें टोटल कितने सब टॉपिक्स हैं उसके बाद देखा कि उसमें से क्या चीज़ें आप से ल्यूट की हैं कि जिनको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते तो जिनको हम स्किप नहीं कर सकते दैट मीन्स दे बिकम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट राइट तो अब पहली यूनिट देखते हैं दैट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बच्चे की सिलेबस रखो आप अपने पास बिकेस्ट ये जो आपका सिलेबस है ना यूनिट वन टू यूनिट थर्टीन दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर पाथ फाइंडर सिलेबस पाथ फाइंडर में जो जिस तरीके से यूनिट्स डील होती हैं जैसे पाथ फाइंडर में आपकी इम्यूनोलॉजी एक डिफरेंट यूनिट की तरह डील होगी बट यहाँ पे वो एक डिफरेंट यूनिट के एक सब टॉपिक की तरह डील होगी जैसे यहाँ पे वो आ जाएगी आपकी सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग वाली यूनिट में लेकिन जो पाथवेंडर बुक है उसमें आपकी एक यूनिट ही दी होगी पूरी इम्यूनोलॉजी की ठीक है तो आप सी एस आई आर का प्रपोज सी एस आई आर की वेबसाइट पर जाइए सी एस आई आर की वेबसाइट पर डालिए लाइफ साइंसिस का जे आर सिलेबस एंड देन देर विल बी सिलेबस का लिंक उस पर क्लिक करिए प्रपोज सिलेबस फॉर सी uh, एस आई आर नेट आपके लिए निकल आएगा ठीक है तो आप स्टार्ट करते हैं मैंने बता दिया आपको इससे पहले आपने अपने पास क्या चीज़ें रखनी है तो जो यूनिट वन है उस यूनिट में से रामाचंद्रन प्लॉट इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट हमेशा आता है स्किप ही नहीं हो रहा है ये ठीक है अब तो मिरर इमेजेस पूछते हैं कि मिरर इमेज कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी या फिर ये अमीनो एसिड्स हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्ट्स यहाँ मैंने पार्ट्स का पहले बनाना शुरू किया फिर आई रियलाइज किए तो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ तो अगर आपको लिखना है अपने सिलेबस में लिखना भी शुरू कर दीजिए अदरवाइज जो भी लैपटॉप पे काम करते हैं डू वन थिंग ओपन योर एम एस वर्ड वर्ड पर एक डॉक्यूमेंट में लिखना शुरू करिए जो भी मैं बोल रही हूँ राइट या फिर आप पेज पर भी लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या कम्फर्ट है तो रामाचंद्र प्लॉट से दोनों में आ जाते हैं देन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ये तो आई गेस बचपन से भी इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी क्वार्टरनरी क्या ही पढ़ना है मुझे अब मुझे ये देखना है कि भाई हीमोग्लोबिन टर्चरी होता है लेकिन मायो सॉरी हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो टर्चरी स्ट्रक्चर है ठीक है तो हमें सारे स्ट्रक्चर्स के साथ भी पता करते रहना है तो हो गया आपने बचपन में पढ़ा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी क्वार्टर ने क्या होते हैं यहाँ पे आप एग्जांपल्स के साथ देख लेते हो देन कम्स कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये तो बहुत एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है यार अगर आप मेरे को बोलो मैं आई कैन सेंड यू दिस स्क्रीनशॉट जिसमें ये पूरी टेबल बनी हुई है अगर आपके पास वाटफाइंडर है वेल एंड गुड उसमें भी वो टेबल बनी है अदरवाइज गूगल ये सीधा कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पर ठीक है दोनों पार्ट्स के इंपॉर्टेंट है पार्ट सी एज वेल एज पार्ट बी मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी यहाँ पे आप जिसको जिसको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है वो सब वो सारे बच्चे स्पीड थोड़ा स्लो करके सुन लेंगे अदरवाइज ठीक है नॉर्मल स्पीड ही होगी मेरे ख्याल से बट अगर आपको लग रहा हो तो एज योर कंफर्ट इसमें भी बहुत लोग होंगे टू एक्स पे सुनेंगे तो मैं भी होती तो टू एक्स पे ही सुनती कभी 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 वन पॉइंट सेवन फाइव सुन लेती हूँ तो ठीक है तो आप सी और बी दोनों के लिए कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को इंपॉर्टेंट समझिए देन कम स्टेबिलाइज इंटरेक्शन देखिए केमिकल बॉन्ड एक अलग तरीके से टॉपिक में लिखा हुआ है और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन एक दूसरी जगह लिखा हुआ है बात दोनों एक ही जगह आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं बगल में आप लिखेंगे एनर्जीज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फोर्थ फोर मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा मैच करना ही आ जाता है या फिर इसका अप्लाइड आ जाएगा कि इतने सारे फोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से ये फोर्स यहाँ मिल, मिल रहा है ये फोर्स यहाँ मिल रहा है एंड वॉट यू थिंक कि इतना जूल किलो जूल का एनर्जी दूंगी तो उसके बाद कौन सा बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा कौन सा बॉन्ड सेफ बजेगा ये सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आपको स्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन एज वेल एज उनकी एनर्जीज पता बताऊँ राइट चार क्लियर पांचवे पे आते हैं तो पांचवा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हम ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार ये कौन सा है बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते कि कौन सा बॉन्ड हो सकता है उनमें ये एक्सपेक्ट कर सकती कि वो क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक होकर आए उसको मैं बोलती हूँ क्या इंटीग्रेटेड फॉर्म आपके पास कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप क्वेश्चन किसी और यूनिट का डील कर सकते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पढ़ना ही पढ़ना है देन कम्स एंजाइम काइनेटिक्स जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी जिस किसी को न्यूमेरिकल पोर्शन पसंद है वो ये करें अपना दो घंटे का जो भी है आप यूनिट वन लेके बैठो दो घंटे के लिए उसमें से आधे घंटे न्यूमेरिकल लगाओ डेली लगाओ आपको नए नए मिलते रहेंगे एंड डेढ़ घंटे थ्योरेटिकल पढ़ें ठीक है तो सिक्स में आते हैं सिक्स है, है एंजाइम काइनेटिक्स प्लस रेगुलेशन पूरा पढ़ना है सी ऑल्सो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आता है क्यों क्योंकि एंजाइम का कभी ग्राफ दे देते हैं कभी कभी चार वैल्यू दे देते हैं जैसे पिछले के पिछले टर्म का जो आपका पेपर है नवंबर 2020 का उसमें आपके पास के कैड के एम के चार वैल्यूज दी थी दो के एम की दो केक एड की और आपको निकालना था ठीक है तो रेगुलेशन ये सब इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आता है फिर आता है सेवन पी आई एन रिलेटेड क्वेश्चन ये तो आपको एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है अब आप अगर पी आई ग नहीं करके जाते क्वेश्चन मतलब आप अपने घर से लगा हुआ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं ठीक है तो पी का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोनोप्रोटिक होता है तो क्या करते हैं और अगर टाइप्रोटिक होता है तो क्या करते हैं ठीक है फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली अमीनो एसिड्स पता होना चाहिए थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स की पी आई पे भी ध्यान दीजिएगा क्यों क्योंकि चार अमाइनो एसिड्स दे दिए थे और उसमें से आपको ऑर्डर बना बताना था पिछले साल का ही आई गेस वो पेपर है पेपर आप देख लीजिएगा जिसमें कि आपको एक सिक्वेंस में एक ऑर्डर में बताना था उनको कि विच विल बी द मोस्ट बेसिक वन राइट और उसमें क्या था कि तीन बेसिक ही थे उनके बीच में कहीं सिस्टीन प्रेजेंट होता था तो आपको एक नज़र मार लेनी है पीआई वैल्यूज़ पे भी उसके बाद आता है बायो एनर्जेटिक्स उसको तो मैं एज अ हो मानती हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ेगा उसे होल ही पड़ेगा क्योंकि क्यों, 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 अगर ग्लाइकोलोसिसिस पढ़ रहे हो तो क्रेपसाइकल भी पढ़ोगे हालांकि ग्लाइकोलिसिस इसमें दिया हुआ है और कुछ और प्रोसेसिस दिए हुए हैं और क्रेपसाइकिल वाला प्लांट फिजियो वाले यूनिट में आता है ठीक है तो बायोनर्जेटिक्स एज अ होल आप पढ़ लो बी और या फिर मैच करने में आ जाएगा या फिर उसके एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चन आ जाएंगे उसके अलावा नाइन दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन पार्ट बी के लिए अभी तक इंपॉर्टेंट था लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभी पेपर इस माइंड से बनाया जाता है कि फैक्चुअल ज्यादा दे दे कभी कभी बनाया जाता है कि न्यूमेरिकल ज्यादा दे दे कभी कभी बैलेंस करते हैं तो अगर फैक्चुअल ज़्यादा मतलब फैक्चुअल पार्ट डोमिनेट करेगा करें तो मेटाबॉलिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है चाहे बी हो चाहे सी हो फिर है आपका टेंथ दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीज एंड न्यूक्लिक एसिड में आपको बी और सी दोनों के लिए पढ़ना है राइट right? बी और सी पार्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक ऑल दो ये टॉपिक सारे इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ने हैं मैंने डायसेक करके बता दिया आई थिंक जितने बच्चे अगर वो कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं इससे उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है ऑल दो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कहाँ से कहाँ से पढ़ना है वो सोर्सेज का मैं वीडियो प्रोसेसिंग में है वो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और उसमें हम ये नहीं कह सकते ना क्योंकि बच्चे मैं उसमें बता रही हूँ को कौन सी वेबसाइट से पढ़ो या फिर कौन से यूट्यूब वीडियो से पढ़ो तो अब मैं अगर किसी को अच्छा बोल रही हूं तो Uh, मतलब नेचुरली ये हो जा रहा है ना कि मैं किसी और को बुरा बोल रही हूँ एंड आई एम नॉट इन अ पोजीशन वो करने के लिए तो मैं ये कर रही हूँ कि बहुत ध्यान से देख रही कि कौन से सोर्स से बच्चा पढ़े तो वो एक डायरेक्शन में काम कर सकता है ठीक है तो उस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा अब आता है यूनिट टू सेलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बेसिकली आपकी सेल बायो वाली यूनिट हो जाएगी है इसमें मैंने साथ ढूंढ के दिए साथ के अंदर बहुत कुछ है साथ के अंदर जब आप बोलेंगे तो बोलेंगे मैम ने खेल दिया हमारे साथ ठीक है या फिर मनीषा ने खेल कर दिया क्योंकि मेमब्रेन एज अ होल पढ़ने को मैं बोल रही हूँ कि मेमब्रेन में आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है जो भी बाय लेयर होती है वो पढ़ना है डिफ्यूजन होता है आयन चैनल्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स जो भी सॉर्टिंग है इंट्रसेल ट्रांसपोर्ट है सब पर जानी है आपको मेम्ब्रेन की मेब्रेन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन नहीं छोड़ना है सेकेंड ऑर्गेनेल्स में मैंने फिर भी ढूंढ लिया आपके लिए बहुत सारी ऑर्गेनेल्स थी उसमें से मैंने ढूंढा है न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्न या क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लस इंपॉर्टेंट क्योंकि सिग्नलिंग के टाइम पर भी काम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट और शॉटिंग के काम भी का टाइम पर भी काम आ जाते हैं ठीक है उसके बाद आता है थर्ड साइटोस केलेक्टिन डू नॉट एवर लीव क्योंकि इससे बना बनाया क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा ये प्लस एंड डायरेक्टिंग है माइनस एंड डायरेक्टिंग है या बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं चार डायग्राम दे देते हैं और आपको आपकी प्रोटीन पहचाननी होती है कौन सी एंड डायरेक्टिंग है तो एक्स प्रोटीन क्या होगी ठीक है साइटोस्केलेटन कभी भी नहीं छोड़ के जाना है फोर्थ वन इज़ ओपेर जित जिसको ऑन कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है क्योंकि ऑन आप पढ़ रहे हो अपने बैचलर्स एम एमज्यूमिंग किया एम कन्फर्म किया अपने बैचलर्स मास्टर्स किया है बीटेक वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट स्टिल आपको बस लैक ओपेरॉन की एक बार कहानी समझ लेनी है रेगुलेशन समझ लेना है उसके बाद आपको मेरागोटिक केसेस पे आ जाते हैं मेरोजाइकोटिक केसेज आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठाओगे उसमें मिल जाएगा अदरवाइज आपकी पार्थ फाइंडर की बुक में या फिर लेनेंजर की बुक में सीधे सीधे दिया हुआ है कि क्या होते हैं मेरोसाइकोटिक केसेज देन कम्स फिफ्थ वन विच अगेन एप्सल्यूटली इंपॉर्टेंट दट इज ट्रांसपोजॉन्स ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इनके तो आपको पीछे पड़ जाना है जितनी इन्फॉर्मेशन पाए उतनी निकाल लो और आना ही आना है इससे क्वेश्चन राइट सिक्स इज सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन ये तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको साइकिल इंसिडीप के सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं ग्राफ बेस क्वेश्चन बन जाते हैं एंटीबायोटिक बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं मतलब इनिबिशन भी कर दो रेगुलेशन भी कर दो चाहे जिस लेवल पे बनाना चाहो क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है आपको सोचना है वहाँ पे है कि एग्जामिनर की माइंडसेट uh, से अगर आप वैसे बैठ जाओगे कि यार मैं क्या पूछूँ अपने बच्चे से कि उसका एनालिटिकल एज वेल एज फैक्चुअल पावर भी चेक हो जाए मतलब एनालिटिकल इसलिए क्योंकि वो आगे जाके रिसर्च करेगा फैक्चुअल इसलिए क्योंकि पढ़ा है तो कहीं बिटवीन द लाइन्स वाली इन्फॉर्मेशन छोड़ तो नहीं दी है उसमें आता है माइक्रोवेल ग्रोथ कर ग्रोथ कर पढ़ के जाना है कम्प्लीटली मैं बोलूँगी सेल बायो की ये यूनिट एब्सल्यूटली इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना ही है जो चीज़ें मैंने बताई हैं उठाओ मेब्रेन से शुरू करो लाइन वाइज सेवन तक खत्म करो अब आते हैं हम थर्ड पे थर्ड इज़ फंडामेंटल प्रोसेस बेसिकली आपका मोलिकुलर बायोलॉजी वाला सब टॉपिक्स फोर्टी सिक्स थे फिर भी नौ ढूंढ लिए उसमें से नौ में भी ऐसे ढूंढे हैं कि बारह तो होंगे ही ये अब करना क्या है सबसे पहले मेरे को पता है सेंट्रल डॉग में सबको पता है डीएनए से आरएनए बनता है आरएनए से प्रोटीन बनता है राइट तो उठाओगे आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बनता है, पता है कि क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है आपको पता है आपको बार बार वो प्रोसेस नहीं पढ़ना है आपको तीन उसके फेजेस पता हैं कि क्या क्या फेज़ होंगे राइट right? अब उसको सिर्फ अब ट्रांसक्रिप्शन उठाओ और उसके फैक्टर्स याद करो अगर फैक्टर्स याद करना है आपके यू कैरेट प्रो कैरेट में क्या फैक्टर्स होते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मशीनरी पढ़नी है पूरी कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं कहाँ पर सब यूनिट असेंबल होती है अच्छा सब यूनिट की कौन सी आइडेंटिफिकेशन यूनिट मेरे एमआर प्रेजेंट है एकदम एनालिटिकल होकर सोचना है फिर जेनेटिक कोड एंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं पे वो ट्रिप कोड कर रहा है लेकिन कहीं पे वो कोडाउन जो है वो स्टॉप कोडाउन है ठीक है उसके बाद आता है रेप्लीकेशन स्लिपेज हंटिंगटन डिजीज होती है ना रेप्लीकेशन स्लिपेज से कि मल्टीपल अगर रिपीट्स होते हैं तो एकदम आपका पॉलीमेलर्स बोलता है नहीं, मैं नहीं बना रहा है वहाँ से जंप कर जाता है और दूसरी जगह से स्टार्ट कर देता है दैट इज रेप्लीकेशन स्लिपेज तो थर्ड यूनिट थर्ड टॉपिक हुआ चौथा आर प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग एंटीसेंस लिंक्ड है आर एन ए की प्रोसेसिंग करनी है जैसे मैंने आपके सिलेबस की प्रोसेसिंग करी वैसे आपको आर एन ए की प्रोसेसिंग करनी है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से जहाँ आपके आर एन ए का एक्सप्रेशन आप नहीं चाहते वहाँ आप नहीं लाओगे जैसे टमाटर सबको पता होगा फ्लावर शायर टमेटो उसको लिखते फ्लावर शावर हैं राइट तो फ्लावर शायर टमेटो था उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टमाटर सड़ रहे थे तो किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था देन साइंटिस्ट ने क्या बनाया कि जो पॉलीगेलेक्टो है मतलब जो बाहर एंजाइम है वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है एंजाइम मतलब जो टमाटर को बाहर से गला देता है गला गलना यानी कि सड़ना उसके बाद वो यूज नहीं होगा क्योंकि इथाइलिन अपना एक्शन एग्जीक्यूट लगने करने लग जाएगा एज सून एज आपका टमाटर गल गया तो इस पॉलीगेलेक्टो के एम के अगेंस्ट जो है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से क्या करा टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ाई तो अपलाइड में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब आप एंटीसेंसिस को पढ़ लेना ठीक है उसके बाद आते हैं हम एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स पे किसी बच्चे ने बोला था मैम वीडियो बना दो यार बच्चे एंटीबायोटिक्स पे हम क्या पढ़ लेंगे मतलब हम क्या अलग पढ़ लेंगे एंटीबायोटिक्स पर तो बहुत थेटिकल हो जाएगा ना वो कभी बाद में देखेंगे अभी तो जो जो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं एंटीबायोटिक्स आप पढ़ के जाना चाहे बनाओ मैंने एक दो रुपये का चार्ट खरीदा था सॉरी दो कम हो गया पाँच का चार्ट खरीदा था तो जो चार्ट पेपर है उस चार्ट पेपर में मैंने एंटीबायोटिक्स के ना सारे मोड ऑफ एक्शन और वो सब बना लिया था क्योंकि क्योंकि तब मेरे पास लैपटॉप नहीं था लैपटॉप मतलब इतना मेरे ख्याल से ऐसे नॉर्मल घर के बच्चे तो नहीं यूज़ करते रह होंगे तो आप जो है अभी चाहो तो लैपटॉप में अपने स्क्रीन में सेव कर लो और एक फ़ाइल बना दो पूरी एंटीबायोटिक्स की जिस स्लाइड को आप डेली रिवाइज़ करोगे शाम के सात बजे का आपका अलार्म बजेगा सात बजे आप आओगे जिस घर में पूजा होती है वैसे आप अपनी पूजा करोगे मतलब आप अपना लैपटॉप खोलोगे रिवाइज एंटीबायोटिक्स वाला पी फाइन कम टू सिक्स वन सिक्स वन इज़ आर एन एडिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए प्लस आर एन एडिटिंग यहाँ पर तो मुझे लग रहा है मैं नशे में थी क्योंकि मैंने रात में बनाई थी पी पी टी तो आर एन एडिटिंग उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छा नशे में थी मतलब नशे में होना मतलब होता है नींद के नशे में okay? ओके पढ़ने वाले बच्चों के पास सिर्फ एक ही दो नशे होते हैं जुनून एक दूसरा नींद का नशा दूसरा आता है अब आता है कि आर एडिटिंग आपको कंप्लीटली पढ़नी है देखो आर तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना यूपीएससी पूछने लगता है इससे तो आपको तो पढ़नी चाहिए आर एन ए लेव पे अच्छा ठीक है न्यूक्लोटेक चेंज करना है हम कैसे चेंज करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर आपको यहां भी पढ़ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आए की जब प्रोसेसिंग पढ़ोगे तभी आप पढ़ोगे कौन कौन सा आर था एम था आर था टी था अब आता है सेवंथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भाई ओपेर वाला कॉन्सेप्ट भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है प्रोकैरियोट का राइट right? और आपको अपने वाले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में जिस जिस लेवल पे होता है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल वो चेक करना है उसके बाद एट हेट, थेट्रोकोमेटिन यूक्रोमेटिन टर्म से ही पता चल जाता है कि क्या होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्वेल डीपर देखो कि आपके जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं देखो कि एसिटाइलेशन मिथाइलेशन से कौन सी जगह पे क्या फर्क पड़ता है और एक बार विकीपीडिया पे हर चीज़ की चार पांच लाइंस पढ़ लिया करो या फिर पूरा ही पढ़ लिया करो एक बार नजर मार के देखो आप स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ोगे ना कभी भी आप मेरी लाइड देखोगे मैं इतना ज्यादा डायसेक देती हूँ इतना छोटा छोटा कर देती हूँ चीजों को मुझे खुद ही लगता है कि यार बहुत कम है तो आपको स्ट्रेटेजिक वे में अगर पढ़ोगे तो आप बहुत चीजें कवर कर ले जाओगे ठीक है बट फाज की लाइफ साइकिल बच्चे नहीं छोड़नी है बिल्कुल नहीं छोड़नी है पूरी लाइफ साइकिल सीधे दी हुई है आपकी पाथम में अरवाइज़ यूट्यूब पर भिजते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर से डाले ना फाजट की लाइफ साइकिल फाज की लाइफ साइकिल आ जाएगी ठीक है आधा घंटा एक घंटा निकालो और पूरी लाइफ साइकिल लिख डालो लिखी हुई तो अभी पढ़ डालना इसको अब आता है यूनिट फोर सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग सब टॉपिक्स से पिछहत्तर सेवेंटी फाइव सब टॉपिक्स वेर आउट ऑफ दैट आउट ऑफ देम आई हैव चोजन आई हैव सिलेक्टेड आउट कितना दस दस सब टॉपिक्स ठीक है एंटायर सेल सिग्नलिंग सॉरी आप लोग को लगेगा कि यार बेवकूफ बना दिया तो सेल सिग्नलिंग में बच्चे आपको छोड़ ही नहीं सकते तो मैं क्या लिख देती तो सेल सिग्नलिंग आपको पूरी पढ़नी है ई आपको पूरा पढ़ना है मैं आउट प्रायोरिटी के ऑर्डर में बता रही हूँ सेल टू सेल कम्युनिकेशन आपको पूरा पढ़ना है जो कि ई के साथ भी पढ़ सकते हो आप इंटीग्रेटेड है ये दोनों कैंसर इंटायरली पढ़ना है कैंसर आगे सबको अच्छा लग रहा होगा तो कैंसर पूरा पढ़ ले जाना क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना है इसी पार्ट में फिर फिफ्थ बेसिक स्ट्रैटेजीज यूज बाय पैथोजन टू तो इन्वेड जो भी आपका मतलब होस्ट सेल में आ गया मतलब मेरी बॉडी को किसने इन्फेक्ट कर लिया लेकिन मेरी बॉडी के फेगोसाइड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे उस पैथोजन को इसलिए वो पैथोजन जाके मेरे सेल की किसी ऑर्गेनेल में जाके छुप गया जिस ऑर्गेनेल को वो जो हमारा मेरा इम्यून सेल है वो नहीं मार कर पाएगा तो बेसिकली मेरे इम्यून सिस्टम को उसने इवेट कर दिया बेवकू बना दिया मेरे इम्यून सिस्टम को तो ये एक बार पढ़ लेना यह आपके पास एज अ टॉपिक ही प्रेजेंट होगा गूगल कर लेना गूगल कर लेना पाथाइंडर है तो पार्थवाइडर में लास्ट में म्यूनोलॉजी में दिए हुए हैं उसके बाद आता है डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस ये हालांकि डाइवर्सिटी में भी है ये टॉपिक लेकिन एक बार आप अपने पास लिस्ट बना के रख लोगे कि किससे क्या डिजीज़ होती है फिर आता है सेवेंथ इम्यूनोग्लोबिलिन सारे एंटीबॉडीज लिखना है गंदे जितने भी हैं कौन कौन से हैं जे एम डी ठीक है उसके बाद एंड देयर डाइजेशन पैप्सिनपैन पेपैन पेपैन डाइजेशन का मैंने आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन टेलीग्राम पे जो भी क्विज लिया था और आज का क्वेज आज का और कल का क्वेज बचता है अभी दो क्वेज लेने हैं मुझे उसके बाद उनका डाइजेशन एक बार देखना कि पेप्सिन से करूंगा तो क्या बनेगा पपान से करूंगा तो क्या बनेगा अच्छा बीटा मैं कैप्टोथेलॉल तो डाल देता हूं क्या फर्क पड़ता है हाफ लाइफ ऑफ इम्योनोग्लोबिलिन कौन सा इम्योनोग्लोबिल कितने दिन चलता है कौन सा प्राइमरी में आता है कौन सा सेकेंडरी में आता है ये तो आपकी आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी आपको बताना चाहिए एट्थ वन इज बी एन टी सेल एक्टिवेशन प्लस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एब्सिल्यूटली इंपॉर्टेंट किसी का भी चार पांच वीडियो उठाओ और इसको खत्म कर जाओ नाइन्थ वन इज एम एच सी एंटीजन प्रेजेंटेशन हाइपर सेंसिटिटी यह तीनों मैंने इम्यूनोलॉजी

आंसर सही आए तो मैं मान के चल रहा कि डेवलपमेंट बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन इन सी सीअर्ची लिम डेवलपमेंट एक्सन पैटर्न फॉर्मेशन आप ये समझ लो अगर आप डायवर्सिटी पढ़ के जाते हो या आपको फ्री के मार्क्स दिलाता है क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको ये नहीं है कि वहाँ पर बैठ के आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता है चीज़ें पहले से तो आप कर ले जाओगे तो आप डेवलपमेंट बायोलॉजी बिल्कुल मत स्किप करना लिम डेवलपमेंट पढ़ना है एक्सलिस पैटर्न फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में पढ़ना है रीजनरेशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लेना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं वो छोटे छोटे टर्म्स आप बाद में पढ़ना आप क्या करो आप पहले पढ़ लो चीज़ों को जो जो आपकी इंपॉर्टेंट है उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जैसे मॉर्फोजेनेटिक रेडियंट्स क्या होते हैं अच्छा सेल्फ सेल ले फेट क्या होता है लीनियजेस क्या होती हैं ओके स्टेम सेल्स क्या होते हैं अच्छा स्टेम सेल मेंटेन कैसे करते हैं खुद को फिर इक्विवेलेंस क्या होता है तो जीनोमिक इक्विवेलेंस क्या होती है पोटेंसी क्या होती है कमिटमेंट क्या होती है अच्छा इम्प्रिंटिंग किसको बोलते हैं ये सारी चीज़ें उसके बाद आप पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट राइट पहले आप बेसिक्स लेके नहीं बैठोगे पहले आप वो लेके बैठोगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है बेसिक्स आपको यूटिलाइज करने हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा पढ़ने लगोगे के टर्म से नहीं पता चला पोटेंसी पोटेंसी से ही नहीं पता चला कुछ चीज़ करने की क्षमता कुछ चीज़ करने की एबिलिटी नहीं पता चला कमिटमेंट कमिटमेंट तो हम करते ही रहते हैं तो मतलब मूवीज़ में भी होती कमिटमेंट तो कमिटमेंट नाम से नहीं पता चल रहा स्पेसिफिकेशन से नहीं पता चल इनसे तो हमें खुद ही थोड़ी थोडी हिंट आ रही तो क्यों इनको बैठ के इनकी थ्योरी पढ़ने में वाह अच्छा लग रहा है वाह अच्छा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होता जो भी आपको यहाँ अच्छा लगे वो एग्जाम रुला देता है ठीक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा बाद में पढ़ने हैं आपको उसके कहता है फर्टिलाइजेशन कैमेटोजेसिस एंड एनिमल्स आपसे ईजी है जिन्हें जोलॉजी ली थी उसको तो ये देखना ही नहीं है और जिसने नहीं ली थी वो एक बार

देखो प्लांट्स आपको ये रूट एपिकल मैरिस्टम शूट एपिकल मैरिस्टम तो करना ही करना है ठीक है इससे क्वेश्चन आने लग गया है उसके बाद दसवा क्या है मैंने हार्ट शेप ग्लोबुलर और टॉर्पीटो एम्ब्रियो के लिए आ, आपके लिए एच बना दिया इसको आप लिख देना कि हार्ट शेप एकदम हार्ड बनाया मैंने देखो इसलिए मैंने बॉटनी ली थी हार्ट शेप ग्लोबुलर एंड देन टॉर्पीटो राइट ये करना आप ये आप अपने में लिख लेना कि एम्ब्रियो की क्या वो होती है मतलब सीक्वेंस किस सीक्वेंस में बनता है आपका एम्ब्रियो तो एक बार एम्ब्रियोलॉजी भी देख लेना ठीक है अब आते हैं हम यूनिट सिक्स पे जो कि प्लांट फिजियोजी है प्लांट फिजियोलॉजी हाँ प्लांट फिजियोलॉजी है, है सब टॉपिक्स कितने हैं इसमें फोर्टी एट है फिर भी कम है यार नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है मतलब फाइटो हार्मोन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनमें तो कोई ढील नहीं है पढ़ने ही पढ़ने हैं फिर आते हैं रेस्परेशन रेस्परेशन मैंने आपको पहले बता दिया क्रेपसाइकल से शुरू करो ई सब खत्म कर जाओ यार बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में क्योंकि इंटीग्रेटेड पढ़ोगे ना एक के बाद एक अच्छा साइटोप्लाज्म हुआ अच्छा माइट्रोकॉन्या में हुआ अच्छा अभी ये कर रहा है बाहर वाली पे और अच्छा ये चैनल इसको चैनल चाहिए अंदर जाने के लिए ऐसे पढ़ना उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन प्लस स्टोमेटल मूवमेंट क्यों बता रही हूं क्योंकि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में एक वेवलेंथ ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट होती है में दूसरी वेवलेंथ ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट होती है तो ये दोनों इंटीग्रेटेड में पढ़ना है उसके बाद फाइटोग्राम क्रिप्टोग्राम

चेक करते जाओ एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ोगे तो आपको स्टोरी लगेगी पूरी उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट आने लग गया क्वेश्चन पिछले के पिछले साल या दो साल पहले सिलिकॉन का आया था का आया था इन सब का फंक्शन पूछने लगता है जब मैं लिख रही थी अपनी स्लाइड में मुझे लगा यार इतना थेरेटिकल फिर तो लगा मैक्रोन्यूट्रिएंट में तो कुछ भी नहीं है एन पी के सी एम एस है ना वो तो एन पी के सी एम एस तो सारे बच्चों को पता रहता है एन पी के में तो बच्चे देख भी लेंगे कि अच्छा क्या होता है मेन है माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट को रट डालो हर चीज़ के थेरेटिकल जो रट डालो बोल रही है उनका एक पूरा फोल्डर बना लो या उनकी एक कॉपी बना लो उसको डेली देखना है सिर्फ एक घंटा निकालना आपको वहाँ से पाँच दस नंबर मिल जाएंगे उसके बाद आता है फोटो एसिमिलेशन फोटो एसमिलेशन माइस थ्योरी जो भी फ्लोएम से जा रही है अच्छा कैसे खाना जा रहा है अच्छा पौधा कैसे खाता होगा प्लांट को देख के ही सोचने लग जाओ ठीक है जब भी पढ़ते हो उसके बाद बाहर बैठो एक प्लांट को देखो की आप नेचर लवर भी कहना हो गे? ठीक है और आप सोचना अपने दिमाग में कि फोटोसिमेशन कैसे होता है उसके बाद आता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी स्ट्रेस फिजियोलॉजी से नॉर्मल बट क्वेश्चंस आर कमिंग कि अच्छा आपका कौन सा फाइटो हार्मोन स्ट्रेस में रिस्पॉन्सबल रिस्पॉन्स हाँ सॉरी इन्वॉल्व होता है मेरे चार पांच शब्द इधर उधर हो जाते हैं हाँ तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में कौन सा फाइटो हार्मोन आपका इन्वॉल्व हो जाता है और उसके बाद आप कभी भी अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो कौन सा वाइन एसिड एक्यूमलेट करोगे तो बहुत नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ हल्के से अब अगर मैं तेजन जिगर मैं कोशिश करती हूँ तेजन जिगर अगर मैं ख़त्म कर देती हूँ ना आपकी दिसम्बर तक भी तो आप प्लीज़ वो पच्चीस चैप्टर होंगे उसके तो अगर आप हाफ स्पीड में देखोगे तो एक पूरा दिन का टाइम यानी कि पच्चीस घंटे या चौबीस घंटे इतना लगेगा उस पूरी बुक को सुनने में आपको मैं चैप्टर वाइज डिवाइड कर लूँगी तो उसमें से आप मेरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाइटो हार्मोन स्ट्रेस फिजोलॉजी पक्का सुन लेना क्योंकि स्ट्रेस फिजोलॉजी में मुझे ज़्यादा तेज है जी अगर मैं सीधे ग्राफ दी हूँ मैं तो उन ग्राफ से ना ऐसे उठा के ग्राफ दे दिया जाता है और चार ग्राफ दे देंगे उसमें से पूछ लेंगे अब आते हैं हम सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल सब्यूनिट्स इसकी सत्तर थी ठीक है अब एनिमल फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा मतलब एक बॉटी वाला बच्चा क्या ही बताएगा स्टिल मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से पेपर देख के कि अच्छा क्या क्या आता है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ECG सी जी रिपीट्स इट सेल्फ इन वॉट जो मैं पढ़ा रही हूँ दूसरे सब यूनिट दूसरी यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स तो ई सी जी यहाँ भी है वहाँ भी है तो एक जगह पढ़ लेते हैं खत्म करते हैं कहानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है रेगुलेशन बच्चे बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि मैं एक पेपर देख रही थी जिसमें एक्टो एंडोथर्म का ग्राफ आया था कि मेटाबॉलिज्म में क्या ग्राफ बनेगा तो इतना इजी क्वेश्चन आने लग गए उसके बाद रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आप यहाँ पढ़ोगे ना वही गैमेटोजेनिस आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ोगे इसलिए मैंने लिखा है ऑल्सो द इनिशियल पार्ट ऑफ डेप बायो विल बी हैंडल्ड कि यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो कुछ थोड़ा पोर्शन थर्टी परसेंट तो कोइंसाइड कर रहा है चाहता नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल आपने सेल बायो में पढ़ लिया उसके बाद आप आगे का नर्वस सिस्टम पढ़ते चले जाओ जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो अभी मैंने सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग पढ़ाई थी सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग को भी रिवाइज करते चले जाना उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका काउंटर जो भी किडनी के पास में हो हो रहा रहा है है अच्छा पीसीटी में क्या डीसीटी में क्या हो रहा है कौन से आयन को यू you नो know, एक्सचेंज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें याद करनी है उसके बाद आता है एंडी एंडोक्राइनोलॉजी का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देगा आपके एफएसएच और एलएच वाले ठीक है या फिर आपका कहीं हाइपोथैलेमस बना देगा उससे कोई हार्मोन निकल रहा होगा किसी ऑर्गन पे एक्ट कर रहा होगा लेकिन इन बिटवीन कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको लगेगा इतना इजी सी एस आर दे ही नहीं सकता और वहीं पे आप चक्री खा जाते हो क्यों क्योंकि कुछ तो इजी क्वेश्चन डालेगा बाबा कुछ तो वो पेपर आपको सत्तर अस्सी नंबर लाने तक तो कर देता है इसीलिए हर बच्चा जो मतलब पचास परसेंट भी पढ़ के जाता है ना उसे अगली बार गलत फहमी हो जाती है कि यार सेवेंटी आए थे और सेवेंटी आए थे बस थोड़े बच्चे थे तो वो इजी क्वेश्चंस डाले ही जाते हैं कि आप अप्रोच कर सको ना तो बच्चा कितना डी मोटिवेट होकर घर आएगा राइट right? सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है तो हो गया एंडोक्राइनोलॉजी उसके बाद आता है डिफरेंट कैपेसिटीज इन रेस्पैरेटरी सिस्टम जो भी आपकी लंग की कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम होता है इन सब एक बार देख के जाना चाहे तो कोशिश करो जिसके पास नोट्स नहीं है वो कोई भी मेडिकल का मेडिकल के लिए तो मेरी एक एब्सोल्युटली फेवरेट चैनल है मेरा बायोमेंटल्स करके तो ये डॉक्टर गीतेंद्र जीतेंद्र गीतेंद्र मतलब उनका नाम है और वो बहुत असम awesome पढ़ाते हैं अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है तो आप उनके वीडियोस बस सुनो यू विल इन्जॉय इट आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है तो उसके लिए तो आई डेफिनेटली मैं क्लेम कर सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उसके बाद आता है यूनिट एट इनहेरिटेंस बायोलॉजी इसमें सब यूनिट्स हैं आपकी सिक्सटी कितनी सब यूनिट्स हैं सिक्सटी राइट तो अब आप... माइक्रोबिल जेनेटिक्स पूरी पढ़नी है अब आप ये मत बोलना कि यार पूरा ही बोल दिया अब इसमें से कुछ ही बता देते कि माइक्रोबिल जेनेटिक्स में से ये पढ़ लें अब आपने तो पूरा बोल दिया माइक्रोबिल जेनेटिक्स क्यों पूरी पढ़नी है क्योंकि इससे क्वेश्चन ना आपके अंदर थोड़े बहुत पॉपुलेशन के भी हो जाएंगे ठीक है कि इतने हैं इतने से इतने को डाइल्यूट कर दिया तो अब क्या होगा मैंने एट यूनिट हाँ एट यूनिट इज़ माइक्रोबियल जेनेटिक्स ना मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी हाँ तो आप माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसडक्शन सारे बच्चों को पता है केसेस पढ़ने हैं अब उनको ठीक है कहाँ पे न्यूक्लियस डालेंगे तो क्या होगा सेक्स डक्शन पता होना चाहिए कि ये क्या स्पेशल केस है ये फिर इंटरप्टेड जीन मेटिंग वाला तो पता ही है एच एफ आर में जब जीन ऑर्डर निकाला था उसके बाद जो भी आपके जीन्स का एनालिसिस है तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स बेसिकली आप डील कर लोगे आई नो आई ट्रस्ट यू म्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ना है म्यूटेशन के साथ ही मैं बोलती हूँ इन दोनों को साथ में पढ़ना स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोसोम में आपका डी एन ए डीएनए के अंदर हुई म्यूटेशन बाहर आएंगे उस पूरे क्रोमोजोम में न्यूमेरिकल एब्रिएशन होती है तो एक दिन बैठेंगे और दोने, दोनों की म्यूटेशन एज अ होल पढ़ लेंगे अब आता है एपिस्टेसिस केसेज एंड रेशियोज ले लिख लेने अपने पास चार पांच होते हैं एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस अपने पास लिखने हैं उसके बगल में रेशियो लिखना है बाद के पेपर में सीधा एपिस्टेसिस का रेशियो आ गया था इस बार ठीक है तो जहाँ तक बात करते हैं आपके सीएसआर की तो सीएसआर में भी बहुत बार तो मैच करने को आ जाता है तो अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हो और सिली चीज़ छोड़ते हो डेफिनेटली आती है वो आपका प्रतिशोध होता है जिंदगी से तो वो दैट इज़ रिवेंज ओनली राइट तो आप कोई सीरी चीज़ नहीं छोड़ के जाओगे इसे के केसेस एंड रेशियोज याद करने लॉर्ड स्कोर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि लास्ट टू सेशन से आने लग गया पहले बहुत ज़्यादा नहीं आता था नहीं आता था मेरे टाइम पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इसका उसके बाद आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है कि होमोलोगस नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है अच्छा हॉलीडे जंशन एक कब बनेगा दो कब बनेंगे हॉलीडे जंक्शन को मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पढ़ना है इसी के साथ याद कर लेना कि म्यूटेशन म्यूटेश कुछ होंगे लूरिया डे दे, डेलबुक का एक्सपेरिमेंट होगा कुछ कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि म्यूटेशन को प्रूव करना है कि अच्छा कैसे होती है तो वो सारी चीज़ों के तीन एक्सपेरिमेंट होंगे वो एक्सपेरिमेंट करने हैं फिर एट है आपको हाँ सेक्शन सी ऑफ द सिलेबस यहाँ पे मैंने असली मज़े लिए हैं आपके साथ दैट इज़ जो भी मंडेलियन प्रिंसिपल के एक्सटेंशन हैं उनको हर एक सब टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छा उसमें क्या क्या है बता देती हूँ मैं को डोमिनस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जीन इंटरेक्शन एक्सप्रेसिविटी फिनोकॉपी इम्प्रिंटिंग पेनीट्रेंस मतलब यही सब चीज़ें हैं जो भी सेक्स लिमिटेड रेड होती है सेक्स इन्फ्लुएंस रेट होती है मतलब जो चीज़ आपने सेक्स लिमिटेड इन्फ्लुएंस नहीं पढ़ा होगा पहले बाकी सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी ठीक है तो सेक्शन सी हर एक सब टॉपिक को पढ़ना है फिर आता है टिट्राइड एनालिसिस उसके क्वेश्चन कहीं मिल जाते हैं तो वो लगाने हैं टेंथ जिसको पेडिग्री अच्छी लगती है वो भैया प्लीज़ पेडिग्री का क्वेश्चन लगा के जाना क्योंकि पेडिग्री आनी ही आनी है एक क्वेश्चन तो वो दे ही देते हैं मन करेगा बी में देंगे मन करेगा सी में देंगे अब आता है यूनिट नाइन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ सॉम इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ तो फ्री का मार्क देती है ये यूनिट ठीक है डाइवर्सिटी आप लेके बैठ जाओ पूरी ही पढ़ लो लेकिन अगर नहीं पढ़िए तो इनके बाहर तो कुछ नहीं आना क्योंकि आई सी एन स्टेटस देखना है अभी करेंटली इंडिया में ऑर्गेनिजम्स का आई सी एन स्टेटस आप डालोगे कि विकीपीडिया पर मिल जाएगा गूगल पर मिल जाएगा वरना यू की कोई भी साइट कोई भी पब्लिक साइट पढ़ लो जेडेसाइज uh, की साइड देख लो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी साइड देख लो इस पर मिल जाएगा आपको आई सी एन के स्टेटस वाले फिर जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क मैंने पहले भी बता दिया कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में भेज दिए हैं तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी कि आपको क्या ढूंढना है टेलीग्राम में मेरे को ज्वाइन करने के लिए फिर आते हैं थर्ड वन इज़ एनिमल किंगडम विद लार्वा जब आप एनिमल किंगडम पौरी फेरा से शुरू करेंगे तब आपको क्या करना है साथ साथ उनके लारवास लिखते जाना है क्योंकि लार्वा का क्वेश्चन भी आता है तो पाँच मिनट में सीधे दिया होगा कहीं और किसी और बुक से जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास सीधे दिया होगा जिनके पास नहीं है वो भैया पॉरीफेरा से शुरू करो एक दिन पॉरीफेरा दस या पंद्रह दिन लगेंगे हर दिन आधा आधा घंटा बैठ जाओ और बिल्कुल टोल नहीं लेना उनका लार्वा लिखना और वो याद हो जाएगा उसके बाद आता है प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम एप्सल्यूटली ईजी कुछ भी नहीं है इसमें थोड़ा बहुत आ जाएगा अच्छा मार्केशिया में क्या होता है मतलब चार पाँच आपको मैच करने को आ जाएंगे एक फर्म दिया होगा एक ड्राइफाइड दिया होगा एक जिमनो एन तो नहीं देते हैं कुछ मतलब लोअर एलगीज एलगी वगैरह में दे दिया होगा उसको आपको मैच करना होगा उसके मेथड्स ऑफ टेक्सानोमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्लासिकल टेक्सकोनोमी इसकी बस आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा फिर आता है एडाप्टिव रेडिएशन अडाप्टिव रेडिएशन वैसे भी इसमें पढ़े चाहे इकोलॉजी में पढ़े चाहे एवोल्यूशन पढ़े वो मिलना ही मिलना है एडाप्टिव मॉडिफिकेशन भी मिलना है फिर एट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टाक्स है यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है जो आपको हायरार्की आती है किंगडम वाली जीनस वाली स्पीशीज़ वाली क्लास सब क्लास ऐसे डिफ्यूज रख दूँ तो आप इनको अरेंज कर लोगे कि किसके बाद क्या आएगा डिवीजन राइट तो ये आपको हरे हर की पता होनी चाहिए उसके बाद यह यूनिट टेन बहुत ही बड़ा वीडियो तो नहीं हो जाएगा आप लोग टू एक्स पे सुनना जो मेरी स्पीड बेयर कर सकते हैं जो नहीं कर सकते हैं वो प्लीज नॉर्मल पे सुनना अब आता है यूनिट टेन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल सब टॉपिक्स थे फिफ्टी सिक्स उसमें से आठ नैरो डाउन किया लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी इंटायरली पढ़नी है पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे फ्री के नंबर मिलेंगे बेटा क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाओगे यहाँ से आर के सिलेक्शन पता होना चाहिए मेटा पॉपुलशन क्या होते हैं छोटे छोटे डीम क्या होते हैं इंटर डीमिक अच्छा एक्सटेंशन क्या होती हैं ए स्ट्रक्चर्ड आपके जो पिरामिड्स बनते हैं ना पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास फिर पिरामिड्स अन शेप कब होता है कब आपकी पॉपुलेशन दिखेगी तो ऐसा बनेगा ठीक है आर एन के सिलेक्शन तो बिल्कुल मत छोड़ना ग्रोथ कर्व कैसा दिखेगा तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एंटायरली पढ़नी है स्पीशीज इंटरेक्शन पढ़ना है म्यूचलिज्म कमेंसलिज्मिलिज्म इतनी हंसी आएगी आपको अब नवंबर बीस का पेपर देखो उसमें माइकोराइजा और प्लांट का एसोसिएशन पूछा है भाई ये कोई बात तो है हाँ तो उसमें आपको पूछा है कि वो कौन सा इंटरेक्शन है हालांकि वो क्या था कि वो माइकोराइजा के एसोसिएशन में शायद उसका ग्रोथ कम हो रहा था ठीक है तो वो पैरासिटिक टाइप का एक्शन कर रहा था उसके साथ तो स्पीशीज इंटरेक्शन इस सेंस में पढ़ना है कि आपको कमेंसलिज्म कमुनसलिज्मिज्म और पैरासिटिज्म पता होना चाहिए फिर हैबिटाट एंड निश सॉरी निश की पेलिंग गलत लिख दी इट्स नॉट नाइस तो हैबिटेट एंड निश ये भी पूरा पढ़ लेना क्योंकि उसमें हैबिटेट पढ़ना है निश पढ़ना है निश आपस में ओवरलैप होते तो क्या होता हैं फंडामेंटल निश किसको बोलते हैं रियलाइज कब बोलेंगे अच्छा कब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये पढ़ना है उसके बाद इको सिस्टम एंड मिनरल साइकिलिंग ये बच्चों की किताब उठाइए आप नाइन टेंथ की किताब चाहे उससे पढ़ लीजिए चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए फिर आता है एकोटोन्स इकोटोन्स तो एक कॉन्सेप्ट ही है ये वाला एरिया उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ कितने टाइगर्स हो गए थे जो प्रोजेक्ट टाइगर लाना पड़ा आज की डेट में क्या है कि हम बढ़ा लिए हैं कम हो गए फिर कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा जाना जाता है कौन सा पहले बना था कौन सा वाइट टाइगर के लिए फेमस है सारी चीज़ें पढ़नी है फिर आता इन सी टू एक्सी टू कंजर्वेशन स्कीम अच्छा जू में कंजर्व करूंगी तो क्या होगा नेशनल पार्क को क्या कंजर्वेशन स्कीम बोलेंगे जूलॉजिकल पार्क को क्या कंजर्वेशन स्कीम बोलेंगे बायोफेयर रिजर्व को कौन सी कंजर्वेशन स्कीम बोलेंगे ये सब इन सी टू एक्सी टू में पढ़ना है फिर आता है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी एक बार पढ़ लेना थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन आने लग गया अब आ गया यूनिट इलेवन मैं खुद थक गई <laughs> तो एवोल्यूशन और बिहेवियर के जो सब टॉपिक्स हैं वो नाइन्टी वन है तो पहले आपको जोलॉजिकल टाइम स्केल देखनी है एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इसको मत छोड़ के जाना क्योंकि आपको लगता है कि यार बाद में देख लेंगे इसको पहले देखना है ठीक है फिर आता है हार्डी वेनबर्ग लॉ हार्डी वेनबर्ग लॉ से जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं वो वाला ठीक है और इससे पाँच जो चीज़ें बताई थी हार्डी वेनबर्ग ने कि आप सीएसआर निकाल सको वो पाँच चीज़ें पढ़ना स्पीशिएशन का कॉन्सेप्ट एलोपेट्री सिंपेट्री इसके ग्राफ देख लेना कि अच्छा जोग्रफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जोग्राफिकल आइसोलेशन होगा तो क्या होगा फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट उसी के साथ बॉटल नेक भी पढ़ ले जाना चाहिए बॉटल नेक क्या होता है फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है सेक्शुअल सेलेक्शन पढ़ना है उसके साथ हैंडीक्रैप थ्योरी पढ़ना कि मोर भाई इतना शो ही होने के बाद इतना भारी बर्ड है कि उसकी हंटिंग की जा सकती है स्टिल वो सर्वाइव क्यों कर रहा है क्योंकि डार्विन ने बोला था कोई ऐसा करेक्टर है जो आपके सर्वाइवल को कम करे सर्वाइवल को क्या कम कर रहा है इतने सारे पंख है इतना भारी हो गया है वो खुद है ना दो जो भी ऐसा कैरेक्टर आपके सर्वाइवल को काम करेगा तो आप टाइम के साथ गायब हो जाओगे दुनिया से गायब आप समझ रहे हो तो लेकिन आपका मोर जिंदा क्यों है तो हंडी कैप थोड़ी देखनी है एक बार एनालोगे होमोलोगस ऑर्गन चेक करना आइसोलेटिंग मैकेजम्रिजम रेसिप्रोकल एल्ट्रेजम कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ तो क्या मैं आपसे ये कह रही हूँ कहीं मैं ये तो नहीं कह रही कि यार मेरे को वापस में भी कुछ दो दैट इज रेसिप्रोकल एल्ट्रिजम अगर ऐसा कोई फीलिंग होता है तो मैं तो वैसे शायद एल्ट्रोजम कर रही हूँ आप बताना क्या कर रही हूँ उसके बाद आता है ग्रुप सिलेक्शन किन सिलेक्शन एक्सपर्ट पता नहीं क्यों होंगे गया किन सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन राइट बिहेवियल साइंस बिहेवियल साइंस की बहुत सारे लोग जिनके दोस्त सुलाजी में होंगे उनको मिल जाएगा वरना कुछ टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं आप वहाँ से बिहेवियर की कोई भी पी मांग लो ये प्रायोरिटी में है आपको सबसे पहले ये चीज़ खत्म करनी है सबसे लास्ट में ये चीज़ खत्म करनी है जो सबसे नीचे लिखी है ठीक है ये नहीं कि आज ही फ़ोन करके भाई बिहेवियल साइंस की किताब दे दे अब आता है यूनिट ट्वेल्व दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी अप्लाइड बायोलॉजी मेरे को सबसे पसंद लगता है भाई कुछ था ही नहीं इसमें सत्रह सब टॉपिक थे वैक्सीन पढ़नी है क्योंकि थोड़ा बहुत कोविड की वजह से भी जरूर ज़्यादा जाता है कोविड का भी देख लेना कि अच्छा जो आर एन एनो वो डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड है तो डबल स्टैंडर्ड क्या किसी और वायरस में हमने देखा है क्या एड्स में कैसा होता है हिंट बता रही हूँ चेक कर लेना ठीक है वैक्सीन चेक पढ़ना है कल्चर प्लांट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एक बार देख लेना एनिमल्स का कल्चर जो आपकी बायोटेक की बुक्स होती है उसमें प्लांट एनिमल कल्चर एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा मार्कर असिस्टेंट सेलेक्शन भाई ये तो आना ही चाहिए कि अगर आपने ये प्लांट्स लगाए हैं बैक क्रॉस कर दिया अब आप आपको चेक करना है कि आपके ट्रांसजेनिक कैसा है तो आपके ट्रांसजेनिक में आप कौन सा मार्कर यूज़ करोगे उसके बाद आते हैं बायोसेंसर बायोसेंसर ग्लूकोज बायोसेंसर घर में किसी को अगर ना चाहते हुए टाइप टू डायबिटीज़ है दैट इज लाइफ का प्रॉब्लम हाइपरग्लाइसेमिया तो वो इंसान यूज़ करता होगा गया ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज नापने की मशीन वो एक बायो सेंसर है उस बायो सेंसर में क्या फेनोमिना यूज़ हो रहा है वो एक बार सोचना है उसके बाद बायो सेंसर टॉपिक फिनिश करना है फिर आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स अप्लाइड क्यों लिखा भाई मैंने क्यों क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्रो पे राइट जिस जिस पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ईस्ट पे तो हल्का सा ईस्ट का भी देख लेना कि ईस्ट के लिए एक्टिवेटर क्या यूज़ होता है ठीक है लास्ट एंड फाइनल खत्म वाले पे आ गए हम यूनिट थर्टीन मेथड्स एंड जेनोलॉजी सब टॉपिक्स थे वन वन नाइन सबसे ज्यादा सब टॉपिक सबसे कम पढ़ाई गई यूनिट ठीक है तो इस सब यूनिट में आपको वैसे तो जिनने नहीं पढ़ी है उन बच्चों को लगेगा अगर टेक्निक तो नहीं आती लेकिन ऐसा अच्छा कुछ नहीं है <coughs> स्टार्ट करो इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का पढ़ जाओ प्रोटीन का पढ़ जाओ टू डी इलेक्ट्रोफोरिसिस क्या होती है वो पढ़ जाओ आर एफ एल पी आर ए पी डी एफ एल पी तीनों को कंपैरिजन वाली जो भी टेबल जिसके भी पास जहाँ भी हो को डोमिनेंट डोमिनंट ये लिख लो अपने पास डीएनए सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आता है सीधा आपको सीक्वेंसिंग दी होगी सैगर मेथड से जो करी जाती है और आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या क्यूक्लोटाइट्स का ऑर्डर था राइट चार ऑप्शन दिए होंगे उसके बाद माइक्रोस्कोपी पढ़नी है जब माइक्रोस्कोपी पढ़ोगे तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में खुद ही उनने हिंट दिया हुआ है क्या उन्हें बोला कि जब आप माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हो तो विजुलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड सबसेलुलर कंपोनेंट्स बाय लाइट माइक्रोस्कोपी यानी कि वो आप बता रहे हैं कि अब आपसे वो प्रोटीन एक्सप्रेशन पूछेंगे या किसी का एक्सप्रेशन पूछेंगे जब माइक्रोस्कोपी बता रहे हैं तो उसके बाद सर्कुलर डायकोलिजम देखना है कि सर्कुलर डाइकोलिज्म से प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर देख सकते हो आप प्रोटीन एक्सप्रेशन जी टैग कब यूज करते हो रिपोर्टर एनालिसिस कब करते हो रिपोर्टर टैग करोगे तो कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टर लगा था ठीक है फिर आता है पैच क्लैम एफ एम आर आई एम आर आई एंड पेट इन चारों से मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं कि आपको आते हैं और इलेक्ट्रोफिजोलॉजी तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ तो उसको पूरा सुन लेना एक बार वो दो घंटे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा तीन का हो जाएगा उससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करूंगी उसके बाद आता है बायो स्टैटिस्टिक्स बायो स्टैटिस्टिक्स की मेरी स्पेलिंग बहुत सुंदर है तो इस स्पेलिंग को इग्नोर करते हुए हम देखेंगे काई स्क्वायर पढ़ना है टी टेस्ट पढ़ना है छोटे छोटे टेस्ट ये नहीं कि पहले दिन बैठ गए कि बायो स्टैटिक्स नहीं आती है यार तो बायो स्टैटिस्टिक्स ही पढ़नी है ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं आता है उसका पहले सोचो कि वो एग्ज़ाम में आता है तो वो एग्जाम में आ रहा है दो नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है चार नंबर का और आप उसके लिए एकदम चालीस दिन की मेहनत लगा दो वो डिजर्व नहीं करता ना उतना तो आपको एक दिन बैठना है ढंग से दो घंटे तीन घंटे लेके और उस पूरे को निपटा देना है ठीक है उसके बाद आता है इज बेसिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्मिनोलॉजी मैंने कहीं सिलेबस में नहीं देखा कि आपको वो बोल रहा है कि वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछेगा बट वो पूछता है तो अनोवा देखना है ब्लास्ट देखना है पी ब्लास देखना है बेसिक चीज़ें बायोन्फॉर्मेटिक्स बेसिक्स डाल दो आप इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है राइट उसके बाद आता है कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्रोबैक्टीरियम रिलेटेड ट्रांसपोजॉन रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चन तो एग्रोबैक्टेरियम में सीधे ही पूछ देंगे कि ये गया था राइट right बॉर्डर हटा दिया था या लेफ्ट बॉर्डर हटा दिया था तो होगा कि नहीं जी मतलब जाएगा कि नहीं जीन जाएगा सिंगल कॉपी तो नहीं बन जाएगा डबल कॉपी इंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी फिर ट्रांसपोजॉन बेस आके कोई एक जीन को उड़ाना है उसको ट्रांसपोजॉन से इंटीग्रेट कर दिया तो उसके फेड में क्या हो जाएगा तो ये दोनों के एक बार अप्लाई क्वेश्चन देख लेना अगर चेक करने होंगे तो दिसंबर या जून ग्यारह के पेपर निकालो उसका थर्टींथ यूनिट पे दो तो जाओ तो उसमें एग्रोर्ड ट्रांसपोजॉन के क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे अब आते हैं फिर से मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आपको इस चीज़ को फॉलो करना है करो नहीं करना है मत करो बिकॉज अगर आपको लगता है कि यार नहीं 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 इनसे तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इनसे डेफिनेटली हो जाएगा मतलब आई एम क्लेमिंग अगर आप इनको पढ़ रहे हो ना जो जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उसमें से एक भी चीज़ नहीं छोड़ के जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि कहीं भी रुकता है कहीं नहीं रुकेगा राइट तो यू कुड बी नेक्स्ट वो तो हो ही सकता है मैंने आपको बता दिया बाकी कहाँ आप मेरे से मिल सकते हो बाय लाइब्रेरी पे मिल ही रहे हो दिस इज द चैनल राइट जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिर टेलीग्राम में आपको डालना है बी आर सी बायोजी साइंटिफिक ऑफिसर प्लस ये शहर प्लस पी एच डी इंटरव्यू आप बी आर सी बायोलॉजी डालोगे आई गेस एक ही चैनल होगा आपको मिल जाएगा दिस इज़ पब्लिक इंस्टाग्राम पेज जो भी लिखा है इसको आप पढ़ लो और ये डाल देना आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको कोरा पे आप गूगल पे सर्च करो मनीषा शर्मा कोरा आपको मिल जाएगा वहाँ पे आई आई रिक्वेस्ट यू गाइस जिसके

सब्सक्रिप्शन तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो तो आएंगे ही अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्योंकि डेफिनेटली जितनी चीज़ें करने वाली वो सारी रियल ऑनेस्ट प्लस मेरे एक्सपीरियंस से आपकी हेल्प होगी ठीक है और जितने लोग हैं वो लाइक like कर सकते हैं शेयर उनको कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि जरूरत हो अदरवाइज प्लीज़ कमेंट में तो एटलीस्ट आप ये बता दो कि मेरे एफर्ट्स आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है ठीक है और लेकिन फिर मैं फिर से कहूँगी कि अगर उस कमेंट करने में आपका टाइम वेस्ट होता है उतनी देर में आप कुछ और पढ़ सकते हो तो मत करना ठीक है माय ओनली मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है बाय होक और क्रूक ठीक है चलो ओके बाय बाय ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा राइट right? और आप इसको फॉलो करोगे